गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चलिए प्रोनाउन के चैप्टर को आगे बढ़ाया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन की डिफिनीशन आप जान चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की लिस्ट हमने दे दिया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सदैव होता है कहाँ, रिलेटिव क्लास को स्टार्ट करने में। किसको स्टार्ट करेगा, ये रिलेटिव क्लास को स्टार्ट करता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब तक आप रिलेटिव क्लास नहीं जानेंगे, तो अगर मैं सेंटेंस देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, तो कैसे समझ में आएगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव क्लास। क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव क्लास। चलिए हम शुरू करते हैं क्या रिलेटिव क्लास, लेकिन इसका संबंध हम किससे जोड़े रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से। शुरू करने के पहले एक खास बात और बता देता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन दो चीज से स्टार्ट होता है। पहली चीज़ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरी चीज है रिलेटिव एडवर्ब। तो ये एडवर्ब का तो चैप्टर है नहीं, तो एडवर्ब हम यहाँ नहीं देंगे आपको, रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा केवल करेंगे, ठीक ना। लेकिन डिफिनीशन में हम क्या जी लिख देते हैं दोनों बातें। रिलेटिव क्लास की जो डिफिनीशन हम देंगे वहाँ क्या करते हैं, कंप्लीट डिफिनीशन दे देते हैं। तो रिलेटिव क्लास, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन तो आप जान ही चुके हैं, चैप्टर हमारा यहाँ पर रिलेटिव क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव क्लास ये रहेगा, ये हेडिंग हमारी है, ठीक। अब आप कोई हमारी मुख्य हेडिंग है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर चल, अब हम रिलेटिव क्लास होता क्या है इसे यहां पर लिखते हैं। रिलेटिव क्लास होता क्या, ठीक है। चलिए तो डिफिनेशन जान लीजिए, क्योंकि चैप्टर तो आप पढ़े नहीं है, क्लास तो हम पढ़े नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपको क्लास आता है, तो स्टार्ट किससे होना चाहिए, दी क्लास। कहाँ से होना चाहिए, दी क्लास, जो मेरी डिफिनेशन है मेरे हिसाब से होती है, और क्लास में, ठीक ना। तो भाई बिना क्लास आप पढ़े तो रिलेटिव क्लास जानोगे नहीं, तो क्लास की चर्चा मैं किया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, आज भी कर दूंगा। अब देखिए दी क्लास दैट बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, एक चीज तो यह आती है रिलेटिव प्रोनाउन, और कंप्लीट डिफिनेशन दे दे रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। इज कॉल अ रिलेटिव क्लास। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई किसकी, रिलेटिव क्लास, यानी वह क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है, रिलेटिव क्लास कहलाता है, ठीक। अब देखिए आप रिलेटिव प्रोनाउन को टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है, एडवर्ब का नहीं चल रहा, तो एडवर्ब वाला हम यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है ना, ये चीज हम नहीं देंगे, इसको हम पढ़ाएंगे कहाँ, एडवर्ब इस चैप्टर में। यहाँ पर क्या देना है हमको, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन की बात करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका क्या है, प्रोनाउन का है। अब चलिए रिलेटिव प्रोनाउन
की लिस्ट तो मैंने दे दिया। रही बात रिलेटिव एडवर्ब की, तो जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ रिलेटिव एडवर्ब में कौन कौन आएंगे। देखिए वेन आएगा और यहाँ भी अर्थ निकलेगा जस, यानी वेन का मतलब क्या होगा, जब होगा। और उसके बाद वेयर होगा, इसका अर्थ क्या होगा, जहां। ठीक, अब वाई आएगा, इसका अर्थ होगा क्या, जिससे कि, ये भाव होगा। और उसके बाद आपका हाउ है, इसका भी अर्थ होगा क्या, जिससे, ये भाव में जाता है, जिससे कि लिखना जरूरी नहीं, ये कि लिखना जरूरी नहीं तो हटा देते हैं, ठीक ना। जिससे ये चार आते हैं, इसको तो हम एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाए। यहाँ पर केवल रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमने लिस्ट कर दिया था उसकी चर्चा करेंगे, इसको पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी। अरे लंबी होना आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी है, दिक्कत तो ये है, ठीक ना भैया, कि आप लंबी वीडियो पढ़ना नहीं चाहते हो, 3 मिनट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो 3 मिनट में सिलेक्शन तो कभी नहीं होगा, नेवर, सोचना मत, ठीक ना। उसके लिए कई जन्म भी लोगे तो नहीं होगा, ठीक। तो थोड़ा लंबी वीडियो पढ़ो, पूरा कोर्स पढ़ो, बस मैं यही आपको क्या सजेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा। अब चलिए रिलेटिव क्लास में खास इम्पोर्टेंट चीज और मैं बता दे रहा हूँ। डिफिनेशन में मैंने दिया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है अपने एंटीसीडेंट, अपने एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है या उसके बारे में सूचना देता है, वो चीज़ यहाँ आएगी आज। अब एंटीसीडेंट क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें हम आगे बताने जा रहे हैं। अब रिलेटिव जो क्लाज है कितने प्रकार का होता है, इसे किसे जानिए, रिलेटिव क्लाज कितने प्रकार का होता है। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव क्लास एक, अब जान गए कि यह रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ओके। तो रिलेटिव क्लास दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, टू टाइप्स होते हैं। जो पहला इसका टाइप्स है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ठीक। और दूसरा इसका जो टाइप्स है नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लास, ठीक। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो जान लीजिए कि स्पॉटिंग से लेकर के और इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चन बनते हैं काफी आपको मदद मिली। अब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को कैसे समझे, मैंने कहा था कि अपने पूर्व एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है या उसके बारे में सूचना देता है, ठीक।
अगर मान लीजिए कि जो एंटीसीडेंट है, क्या है एंटीसीडेंट, सबसे पहले तो एंटीसीडेंट क्या चीज होता है उसको समझिए। अभी मैंने चर्चा किया कि रिलेटिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, तो अब हम यहाँ रिलेटिव एडवर्ब को किनारे कर दें, चैप्टर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का है। तो जब रिलेटिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा तो उसके पूर्व जो शब्द आता है वो तो पूर्ववर्ती कहा जाएगा, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पूर्व तो बहुत से शब्द हो सकते हैं, बोलिए बहुत से शब्द। ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट बिफोर वाला वर्ड एंटीसीडेंट नो, ऐसा भी हो सकता है। तो यह तो डिफिनीशन आधी अधूरी है किताबों में, कान खोल के सुन लीजिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन के का जो एंटीसीडेंट होता है वो होता क्या है, वह एंटीसीडेंट प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कॉम्प्लीमेंट होता है। पहली बात नोट कर लीजिए। अब जिसके बदले में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये खास बात, यानी प्रिंसिपल क्लास का वह शब्द, चाहे वो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो या कंप्लीमेंट हो, मतलब क्रिया का ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन बोलचाल में तो हम प्रिंसिपल क्लास ही कहेंगे, यानी प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जिसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है वही रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाएगा, नहीं तो एंटीसीडेंट तो बहुत होते। अब होता क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग होगा और रिलेटिव प्रोनाउन से आपका रिलेटिव क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन पढ़ाने की सुविधा के लिए रिलेटिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन को अलग लिख दिया जाता है और प्लस करके रिलेटिव क्लास लिख दिया जाता है, परंतु रिलेटिव प्रोनाउन भी रिलेटिव क्लास का ही हिस्सा होगा। अभी हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, आने वाला है, पहले लेक्चर पर ध्यान दीजिए। अब चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल क्लास के उस शब्द को ढूंढना है जिसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है, नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला हो गए। अब जब हम उस नाउन को ढूंढेंगे तो मिलेगा, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, चाहे कंप्लीमेंट के स्थान पर। अब रिलेटिव क्लास क्या करता है, रिलेटिव क्लास उसी नाउन, ध्यान दीजिएगा, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को डिफाइन करेगा, और यदि वह ऑलरेडी डिफाइन है, पहले से उसकी डिफिनीशन कंप्लीट है, तो सिर्फ सूचना देगा। तो अगर डिफाइन करता है, यानी वह एंटीसीडेंट ऑलरेडी पहले से डिफाइंड नहीं है, तो रिलेटिव क्लास क्या करेगा, देखिए उसे डिफाइन करेगा, तो रिलेटिव क्लास का नाम हो जाएगा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, यही समझना है। अब मान लीजिए कि वो पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है, तो रिलेटिव क्लास क्या करेगा, सिर्फ उसके बारे में सूचना देगा, किसके एंटीसीडेंट की। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होने वाला का जी
वह शब्द जिसके बदल जिसके स्थान पर प्रेटी प्रोनाउन का प्रयोग होता है वही तो एंटीसीडेंट कहा जाता है। ये होता है एंटीसीडेंट। अब उसे अगर डिफाइन करते हो रिलेटिव क्लास द्वारा तो उस क्लास का नाम है रिलेटिव डिफाइंड रिलेटिव क्लास और ऑलरेडी डिफाइंड है तो क्या उसका नाम होगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। ध्यान दीजिए तो अब इसका जो दूसरा नाम हो जाता है इसमें से आप ये शब्द हटा सकते हैं कौन सा शब्द रिलेटिव शब्द तो दूसरा नाम इसका आप लिख सकते हो का सिर्फ करी डिफाइनिंग क्लास क्या लिख सकते हो डिफाइनिंग क्लास। अब यहां जो दूसरा है इसका नाम लिख सकते हो नॉन डिफाइनिंग क्लास नॉन डिफाइनिंग क्लास। आप चलो अब आगे बताना एंटीसीडेंट यहां पर ऑलरेडी डिफाइन नहीं रहेगा तो वो पीसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट चाहे जहां हो एंटीसीडेंट के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है कामा का प्रयोग नहीं होता और वहीं से शुरू हो जाएगा क्या आपका रिलेटिव क्लास और रिलेटिव क्लास शुरू होगा रिलेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ एंटीसीडेंट क्या होता है कि ऑलरेडी डिफाइंड है तो केवल सूचना दी जाएगी तो एंटीसीडेंट के बाद कामा लग जाएगा तो कामा लगने के कारण ये नॉन डिफाइनिंग बन जाता है और ये डिफाइनिंग होता है। यही पहचान है कामा से ही पहचानोगे। ठीक अब चलते हैं इस डिफाइनिंग क्लास को जब ये डिफाइन कर रहा है किसको एंटीसीडेंट को कामा लग नहीं लग रहा इसका मतलब सेपरेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है सेपरेट नहीं हो रहा है स्वतंत्र नहीं हो रहा है इसका मतलब एक सीमा में बंधा हुआ है सीमा में बंधा है डोर में बंधा हुआ है सूत्र में बंधा हुआ है। अगर कामा लगा दिए तो डोरी टूट जाएगी क्या हो जाएगा डोरी टूट जाएगी इसलिए इसका एक नाम और है क्या रिस्ट्रिक्टिव क्लास। रिस्ट्रिक्ट का मतलब प्रतिबंधित करना सीमाओं में बांधना यानी कामा नहीं लगा है इसका मतलब दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है एक दूसरे से क्या है जुटे हुए हैं यानी एक सीमाओं में बंधे हुए हैं सीमा से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ कामा लग जाएगा इसका मतलब क्या है वो कभी भी कामा के बाद वाला अलग हो सकता है इसलिए रिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। अरे जो टर्म दिए जाते हैं क्यों दिए जाते हैं किस लिए दिए जाते हैं उन्हें मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव क्लास। ओके अब चलिए रिस्ट्रिक्टिव क्लास हो गया। अब इसका अगला नाम बता रहा हूं चूंकि यह डिफाइन करता है किसको भैया एंटीसीडेंट को तो डिफाइन करने का मतलब क्या डिफिनेशन बता रहा है अर्थात उसके बारे में पूरी व्याख्या कर रहा है। तो व्याख्या करने का दो तरीका होता है या तो डिफाइन करे या तो क्वालिफाई करे। तो डिफाइन जब कर रहा है तो उसके बारे में क्या है पूरी बात बता रहा है कि हमारे पूर्व जो बैठा है और मैं जिसका काम कर रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की पहले बात कर रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन किसके बदले में आएगा एंटीसीडेंट के बदले में आएगा। कह रहे भैया उन्होंने भेजा है ये काम के लिए तभी तो अगला अधिकारी करेगा। हम गए ऑफिस कोई व्यक्ति है चपरासी को अपने ऑफिस के चपरासी को भेज दिया दूसरे चपरासी को तो वो जा कर के व्याख्या करेगा ना कि फलाना सर ने भेजा है इसे काम के लिए। अब बताइए
तो जिसने भेजा वो तो एंटीसीडेंट हो गया, अब उसके बदले में चपरासी गया ना उसका काम करने, तो चपरासी क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब चपरासी जितना काम करेगा, जो भी व्याख्या करेगा, वो पूरा क्लास हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो व्याख्या करेगा ही, पूरा क्लास ही व्याख्या करने लगेगा, क्योंकि उसे काम सौंपा गया, चपरासी को काम सौंपा गया, चपरासी को रिलेटिव प्रोनाउन बनाया गया। तो वो क्या करेगा, अपने बॉस को डिफाइन कर देगा, या बॉस को वो अगला व्यक्ति पहले से जानता है, दूसरे ऑफिस वाला, तो डिफाइन नहीं करेगा, केवल सूचना दे देगा कि फलाना सर ने आपको ये मैसेज दिया है। अब पहली दफ़ा अगर जाता है दूसरे ऑफिस में, तो वो पहले अपने बॉस की क्या करेगा, व्याख्या कर देगा, पूरा डिफाइन करेगा। तो चपरासी तो भैया रिलेटिव प्रोनाउन, और जितना वो व्याख्या किया वो रिलेटिव क्लास बन गया। क्या बन गया, रिलेटिव क्लास। तो इसको आप इस तरह से समझेंगे तो बढ़िया आएगा इस का स्टोरी से। तो आप बताइए ये क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टिव क्लास हो गया। तो जब वो एक्सप्लेन करता है, जब भी आप किसी का गुणगान करते हो या व्याख्या करते हो या डिफाइन करते हो, तो वह क्लास एडजेक्टिव क्लास भी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, एडजेक्टिव क्लास भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लास भी कहलाता है। ओके, तो डिफिनीशन को समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, अब जब ये एडजेक्टिव क्लास हुआ, ध्यान दीजिएगा, तब क्या होगा भैया, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा क्या होगा, यहां होगा प्रिंसिपल क्लास। ओके, ध्यान दीजिए, तो यहाँ होगा प्रिंसिपल क्लास। अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट के स्थान पर, कंप्लीमेंट के स्थान पर वह एंटीसीडेंट बैठा है, ठीक ना, तब क्या करेंगे आप, पीसी को दो भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। हम दूसरा कलर लेते हैं, नहीं तो मामला बस जाएगा। अब क्या करिए आप, यहाँ देखिए, तो पीसी एंटीसीडेंट कहाँ बैठेगा, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पीसी लिख दीजिए, और इधर से लेता हूँ, यहाँ पर पीसी लिखिए, प्रिंसिपल क्लास 60 में लिख रहा हूँ। अब पीसी को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ध्यान दीजिए। तो आप चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा दीजिए एंटीसीडेंट को, या प्रेडिकेट के स्थान, अगर प्रेडिकेट के स्थान पर बैठाते हैं, बोलिए प्रेडिकेट के स्थान पर बैठाते हैं, तो यह एंटीसीडेंट होगा, तो क्या यह हुआ, होगा नहीं होगा, नाउन चाहिए ना हमें, क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो यह एंटीसीडेंट क्या होगा आपका, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कंप्लीमेंट होगा। बोलिए, पीसी पूरा हो गया, अगर हम यहाँ बैठाते हैं प्रिंसिपल क्लास, ठीक ना, के स्थान पर, तो एंटीसीडेंट यहाँ होगा, और वह एंटीसीडेंट या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कंप्लीमेंट होगा। इसके बाद आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, आ गया, आ गया, ठीक। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, ये डिफाइनिंग क्लास लिख लीजिए, डिवानीवेटिव क्लास लिख लीजिए, रिस्ट्रिक्टिव क्लास लिख लीजिए, या एडजेक्टिव क्लास लिख लीजिए। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास लिख देते हैं।
लिख दिया है। अब क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया, क्या मिल गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। अब अगली बार हम क्या करते हैं कि एंटीसीडेंट को सब्जेक्ट के स्थान पर बिठा देते हैं, ध्यान दीजिए। तो जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर बैठाएंगे तो पीसी दो भाग में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, पीसी दो भाग में टूट जाएगा, ठीक ना। ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही क्या हो गया भैया, एंटीसीडेंट हो गया, क्या हो गया, एंटीसीडेंट। निश्चित दिख रहा है जी, एंटीसीडेंट हो गया। प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट ही एंटीसीडेंट हो गया। जब एंटीसीडेंट हो गया तो एक बात की ध्यान देना है कि जो रिलेटिव क्लास होगा वो अपने एंटीसीडेंट को खोजेगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन उसी के बदले में आता है ना। देखिए यहाँ एंटीसीडेंट बैठा है, रिलेटिव प्रोनाउन तुरंत आया, तो यहाँ भी क्या होगा, जहाँ एंटीसीडेंट होगा वही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ हम अब क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दें। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन लग गया तो क्या होगा, किसको स्टार्ट करेगा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को करेगा ना। चलिए ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को स्टार्ट कर दिया। तो अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आ गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास आ गया। और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को कौन स्टार्ट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है। तो भैया बचा क्या, प्रेडिकेट का, अरे पीसी का प्रेडिकेट बन जाए। तो यहाँ पर हम पीसी का प्रेडिकेट लिख दिए, सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम फिर से थोड़ा सा रिवर्स होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को ही आप क्या करते हो, एडजेक्टिव क्लास कहते हो। तो पीसी यानी प्रिंसिपल क्लास प्लस एडजेक्टिव सदैव क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसका मतलब कि दो स्ट्रक्चर जो हमने प्राप्त किया, ये दिख रहा है कि नहीं जी, ये वाला ये किनारे, दो स्ट्रक्चर हमने जो प्राप्त किया यहाँ पर देखिए, आज स्ट्रक्चर ले लीजिए, आज स्ट्रक्चर आप क्या करिए ले लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट था और प्लस यहाँ पर प्रेडिकेट था, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट के स्थान पर हमने क्या किया, एडिशन लगा दिया, ये हो गया, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, संभव नहीं कि एक वीडियो में सब कुछ बताया जा सके और पढ़ाया जा सके। तो कल का पढ़ लीजिएगा और आज का भी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल कल हम देंगे। तो अब ये बताइए, ये सेंटेंस क्या हो गया भैया, ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास प्लस एडजेक्टिव क्लास क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ओके चलते हैं, अब आगे देखिए वो वाला पोर्शन क्या है आपका, यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, यहाँ पर क्या है, एंटीसीडेंट के बाद कहीं कामा नहीं लगा, यहाँ देखिए कामा लगा है, एंटीसीडेंट ये ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है, नहीं कामा लगा, एंटीसीडेंट के बाद यहाँ ब्रैकेट खत्म हो रहा है, नहीं कामा लगा, कामा नहीं लगा। अब आपको यहाँ नॉन डिफाइनिंग, तो जब ये वाला रिस्ट्रिक्टिव है तो ये वाला क्या हो गया, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास हो गया, क्या हो गया,
नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया। इसको हम अगला नाम क्या है? हाँ, एक चीज और यहाँ पर फिर से बैक होता है। एडजेक्टिव क्लास किसका काइंड है? सबऑर्डिनेट क्लास के। सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार? तीन प्रकार के, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो ये एडजेक्टिव क्लास क्या है आपका? सबऑर्डिनेट क्लास है। क्या है सबऑर्डिनेट क्लास? तो प्रिंसिपल क्लास प्लस एडजेक्टिव क्लास इट मीन सबऑर्डिनेट क्लास। क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर जो एंटीसीडेंट को डिफाइन किया जा रहा है वो ऑलरेडी डिफाइन नहीं है। यहाँ पर क्या है? एंटीसीडेंट ऑलरेडी डिफाइंड है। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी क्या है? डिफाइंड है। यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है एंटीसीडेंट को इसके द्वारा, डिफाइनिंग क्लास द्वारा, इसीलिए उसका नाम डिफाइनिंग क्लास। अब यहाँ पर केवल सूचना देना है। क्या करना है? केवल सूचना देना है। तो कामा लग जाएगा, तो जैसे कामा लगेगा दोनों सेंटेंस क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा टर्म पर। तो जब दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो गए, कोई दूसरे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, तो कामा के बाद वाला भी प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। यानी ऐसी दिशा में क्या होगा? जब दो प्रिंसिपल क्लॉज को हम जोड़ते हैं किसी कंजक्शन द्वारा, तो क्या होता है? पहले को प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है? कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा, एक छोटा सा काम आपको करना है, ठीक, इसी स्ट्रक्चर में करना होगा। क्या करना होगा? सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम नाम बढ़ा देते हैं। तो ऐसी दिशा में हमने कहा कि पहला क्लास प्रिंसिपल क्लास और दूसरा क्लास बोलिए कोऑर्डिनेट क्लास। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, ये हो जाएगा। पूरा सेंटेंस अब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। चलते हैं, अब यहाँ क्या लिखिए? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है यार? सबसे पहला परिवर्तन कि इस एंटीसीडेंट के बाद, देखिए यहाँ एंटीसीडेंट है हमारा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कंप्लीमेंट हो, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कामा लगा देते हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? नहीं तो ब्रैक्स लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए ब्रैक्स लगा दिया, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर कामा लगा दिया। अब इसका एंटीसीडेंट कहाँ बैठा भैया? सब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। एक परिवर्तन हो गया। अब दूसरे परिवर्तन में आपको क्या करना है? अब तो हमारे लिए जगह छोड़े नहीं, कोई बात नहीं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को क्या करना है आपको? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में बदल देना। एक क्या किया? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास को नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में बदल लेना है। यहाँ नॉन लगा देते हैं, ठीक है ना।
नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास फुल स्टॉप। यहां भी क्या करते हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ठीक है। किल अब यहां की एरो हमने हटा दिया और स्ट्रक्चर आपको ये दे दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे अब ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, किसका, कंपाउंड सेंटेंस का। तो पीसी के साथ आपने क्या लगाया, एडजेक्टिव क्लास विदाउट कामा, कामा नहीं डिसीजन के बाद, क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और पीसी के साथ आपने क्या लगाया, कोऑर्डिनेट क्लास, इट इज नॉन डिफाइनिंग या नॉन रिसेप्टिव या नॉन डिफाइनिंग, जो भी कह लीजिए। यहाँ पर तो यही लिखना संभव है, अर्थात कोऑर्डिनेट क्लास, तो क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से निष्कर्ष क्या निकला, रिलेटिव प्रोनाउंस एक्ट एज आइदर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम कहाँ करेगा, ये वाले में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस में काम करेगा, ये वाले में, यानी कंपाउंड सेंटेंस। यानी जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं या तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कार्य करते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, प्रोनाउन तो है ही लेकिन यहाँ पर इनका फंक्शन बदल जाता है। प्रोनाउन किस लिए है, प्रोनाउन इसलिए है कि वह किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हो रहे हैं और वह नाउन प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट होता है, इसलिए वह प्रोनाउन है। परंतु यह दो क्लास को जोड़ते हैं अतः कंजक्शंस भी होते हैं, परंतु कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन, सबॉर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो थोड़ा ये जो है चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन वाला टफ है। अब एंटीसीडेंट को मैं बताया कि वह नाउन होता है, इस पर एग्जांपल हम अगली वीडियो में आपको देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैंने कल ही बता दिया कि भैया ये टफ भी है और होल नंबर। लेकिन अगर पहली वीडियो से और लास्ट तक ये रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेते हो तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई डाउट रह नहीं जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना ना, हाँ, लेकिन वो वाली बात नहीं कहेंगे जो सब कहते हैं, ठीक है, ओके। कब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए।